So just now we landed in Georgia, in Tbilisi International, in Tbilisi International Airport, and we checked in the Duchy Palace Hotel, and this is our room. So let's give a quick review, quick tour of our room. Okay. So first you can see, these are the drawers, and in this. So nicely towels are kept, and this is hair dryer in it. This is our room actually. This is our room. This we can hang. कुछ भी कपड़े अगर सुखाने हैं तो ये इसके लिए है. और इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है. इसके बाद छोटा सा bathroom है, but it's very neat and clean. Oh wow. और ये है बाथटब कम शावर, और इसके साथ है ये वॉश बेसिन. इसके साथ यहाँ पे टॉयलेट ट्रीज में इन्होंने दिया है शावर जेल एंड शैम्पू एंड सो. ओके, सो आगे देखते हैं कि और क्या क्या है. और होटल में जाओ तो सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट पार्ट है बेड. सो यू ऑल कैन सी कितना अच्छा है ये, कितना सॉफ्ट है, कितना रूम का लाइटिंग इतना रोमांटिक है. एंड इट फील्स सो गुड एक्चुअली टू बी इन दिस एटमॉस्फेयर, जहाँ पे बाहर जॉर्जिया में अभी रेन हो रहा है. एंड सो इट्स लाइक एक्साइटिंग, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द प्लेस एक्चुअली. एंड इसके बाद यहाँ पे ये डोर है, ड्रॉवर है दो दो. उसके बाद ये सब कुछ सामान है, टीवी एंड ये कपड़े हैंग करने के लिए. इट्स लाइक दिस स्मॉल रूम, बट इट्स लाइक आई फील इट्स वेरी रोमांटिक. और ये इसके बाद बालकनी है. ओके, आपको बाहर का नजारा दिखाते हैं जॉर्जिया में जो हो रहा है उसका. यू ऑल कैन सी इट्स रेनिंग. इट्स आर द ट्रीज फ्रॉम आवर बालकनी. We are here only for 2 days. So let's get in. So ये था हमारा room tour. आशा करती hope कि आपको पसंद आए. आगे जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे channel में DP World. अभी हम लोग है गोदावरी माउंटेन के यहाँ पर. तो ये पिक्चर पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप पूरे माउंटेन के साथ अपना फोटो ले सकते हैं. तो ये पॉइंट इस चीज़ के लिए बना है कि आप पूरे माउंटेन के व्यू के साथ, जो आप देख सकते हैं कि बैक साइड है हमारे, तो यहाँ पर आकर आप पिक्चर पॉइंट ले सकते हैं यहाँ. Let's go ahead now. This is the church. अभी हम हैं अन्नूरी फोर्ट्रेस में. इसका स्पेशली इसको 17th सेंचुरी में बनाया गया है, और इसको बनाया है ताकि ये एनिमीज को डिफेंड कर सके. जहाँ पे उस समय में
टर्किश एम्पायर बार बार यहाँ पे हमला करता था, तो उसको डिफेंड करने के लिए दिस फोर्ट्रेस हैज बीन मेड. तो यहाँ पे उनका फैमिली रहता था, यहाँ पे अंडरग्राउंड टनल्स है, चर्च है, क्योंकि इट्स मोस्टली जॉर्जिया इज अ क्रिश्चियन कंट्री, इट्स अ बहुत ही रिलीजियस कंट्री है, इट्स टोटली क्रिश्चियन कंट्री ऑलमोस्ट, मतलब इट्स अ क्रिश्चियन कंट्री. तो उस समय ऐसा होता था कि वो सब जो वॉरियर थे वो यहाँ पे रहते थे और वो अपनी फैमिलीज को के साथ यहाँ पे रहते थे. जब भी कुछ ऐसा अटैक होता था एंड इफ दे फील दे आर लूजिंग आउट, वो हारने वाले हैं, तब जाके यहाँ से एक जाता है वो रिजर्वर की तरफ और एक जाता है फॉरेस्ट की तरफ. फैमिलीज फिर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स दे गो एंड हाइड इन फॉरेस्ट. सो इसका हिस्ट्री ये है. तो अब हम देखते हैं कि ये फोर्ट्रेस कैसा है. सो लेट्स गो, एक क्विक टूर लेते हैं यहाँ का.
Georgia, so which is now covered with snow. You all can see. Aragvi River. This is the coldest river of Georgia. It comes from high mountains. So the name of the mountain is Kaukazus Mountain, and it crosses the north side of Georgia, and it joins the river Mitkvari River in Georgia. So which is in the region Mitkheta. In that region, these two rivers join to each other. Now you all can have a look of this river. So neat and clean. So right now we are in Genwali Water Reservoir. This is made in 1963 by Soviet Union. So बहुत पहले यहाँ पे villages हुआ करते थे, तो Soviet Union ने इसको बनाने के लिए उन villages को यहाँ से खाली किया, फिर तब जाके ये reservoir बना है. और यहाँ पे filtration के लिए government कुछ और process use नहीं करती, the same water filtration के लिए जाता है, और फिर वही water हर एक के घर पे tap मतलब हर किसी चीज का ड्रिंकेबल वाटर के पास भी सबसे घर में पीने के लिए जाता है. तो जहाँ पे भी गवर्नमेंट इस चीज़ को टैक्स करती है उसके लिए चार्जिंग 3 लारी पर मंथ.